हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डैड इन किचन चैनल। बिरयानियों में हैदराबाद का दमका बिरयानी कुछ अलग ही मज़ा रहता। ऐसे ही बनाने के लिए मेरे को फॉलो हो जाओ स्टेप बाय स्टेप। मटन बिरयानी पीसेस कट करके ला लेना, उसके अंदर अदरक लहसुन, अगर फ्रेश अदरक लहसुन है तो और मज़ा आता। बाद में इसमें डाल लो नमक, बाद में धनिया पाउडर, बाद में इसमें डाल लो हल्दी, बाद में लाल मिर्च, बाद में जीरा पाउडर, हरी मिर्च, बाद में भुना हुआ प्याज, इस तरह फ्राइड ऑनियन, पुदीना डाल लो, कोथमीर डाल लो, तला हुआ प्याज का बचा हुआ तेल 2 चम्मच डाल लो, उसके बाद डाल लो गरम मसाला। अब इसमें जाएगा दही, 1 किलो मटन को 1 किलो दही अच्छी तरह हिला लो। ये कुछ चमचे से होने वाला काम नहीं है, इसको हाथ ही लगाना पड़ेगा। वाव, इस तरह पूरा मिक्स कर लो। बस इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दो। अब बासमती चावल 1 घंटा भिगोना। चावल बनाने के लिए तेल, लवंग, साई जीरा, बगरपुर, दालचीनी, इलायची, बगर पत्ता, इसको अच्छी तरह तलने के बाद इसमें चावल पकाने के लिए पानी। पानी ज्यादा ही पानी डालना, चावल 70-80% पका लेना। नमक, चावल पकता जब तक हम ये मसाले को बिरयानी भगोने में डाल के पूरी अच्छी तरह पूरा से स्प्रेड कर ले। ऐसा ही। अब हम फूड कलर बनाएंगे। दूध में थोड़ा फूड कलर डाल के बाजू रख लेना। चावल पक गया, ऐसा टूटना, चावल टूटे तो पके जैसा। अब ये मटन मसाले में बिरयानी उसके ऊपर डाल दे के अच्छी तरह स्प्रेड कर देना ऐसा। अच्छी तरह दम की बिरयानी हैदराबाद, चावल पूरा मटन पे स्प्रेड होने के बाद इसमें डाल लेना प्याज, फ्राइड ऑनियन, पूरा स्प्रेड कर दो चावल पे, उसमें कोथमीर, पुदीना, वाव, नींबू 1 या 2 नींबू, हरी मिर्च, हरी मिर्च को तोड़ना नहीं, ऐसे ही डाल देना। बाद में ऊपर से तेल और घी भी, 3-4 चमचे घी डाल लो। बस फूड कलर ऊपर से डाल लो। अब इसको सिल्वर पेपर से कवर करके चूल्हे पे दम के लिए रख देना। चूल्हे पे तवा लगाओ, तवे को अच्छी तरह गर्म होने दो। गर्म होने के बाद ये भगोना उस पे रख दो और वो ढक्कन पे कुछ वजन रखो। बस 40 मिनट तक इसको खोलना ही नहीं, बिल्कुल नहीं खोलना। 40 मिनट के बाद ही, 40-50 मिनट बाद में बनेगी हैदराबाद दम की बिरयानी। वाह, इंतजार खत्म हो गया।
वाओ सुपर, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही। बड़े प्यार से निकलना, चावल टूटे नहीं। सुपर, बस आपको यही करना, मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो जाना। अब इसको बाहर निकालेंगे। फैंटास्टिक, सुपर, हो गया ना फाइव स्टार लुक। वाओ सुपर, देखो कि अच्छी तरह पका मटन एंजॉय कर रहा। वाओ वाओ नाइस, हाउ इट इज, सुपर सुपर, बाय फ्रेंड्स।